मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हाई सिक्योरिटी से लैस संसद की सुरक्षा में आज बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग नीचे कूद गए, हालांकि दोनों को पकड़ लिया गया है, लेकिन इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। वहीं दो लोग और थे जो लोकसभा में पीले कलर का स्मोक का इस्तेमाल किया, पीले रंग का धुआं यहां पर आप साफ देख सकते हैं। इस पूरे मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन, इसके अलावा अमोल शिंदे और नीलम है। बताया जा रहा है कि मनोरंजन कर्नाटक और सागर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर और नीलम हरियाणा की रहने वाली बताई जा रही है। नीलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, रोज़गार हमारे पास नहीं है, सड़क पर उतरते हैं तो लाठियों से पीटा जाता है, सरकार तानाशाह हो गई है। आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी जो हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से है आप? नहीं नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार है, हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर किसान छोटे व्यापारी दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, ये